फ्रेंड, दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 रन कमांड्स के बारे में, जो कि सभी यूज़र्स को पता होना चाहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास चली जाए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं रन कमांड होता क्या है। तो रन कमांड एक टूल होता है विंडो में, जिसका यूज़ करके हम कोई भी सॉफ्टवेयर को इजीली शॉर्टकट्स के थ्रू ओपन कर सकते हैं जल्दी से। तो उसके लिए आपको करना क्या, आप सबसे पहले प्रेस कर लीजिए विंडो बटन प्लस R, तो इससे रन कमांड ओपन होता है। और दूसरा तरीका है कि आप सर्च में जाके आप सर्च करिए रन कमांड, तो आपके यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन है वो शो करेगा। तो हम इसको यूज़ करेंगे विंडो प्लस R बटन से ओपन करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है, तो उसके लिए जो शॉर्टकट है इसका वो है TASK टास्क MGR। उसके बाद आप ओके पे इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर बेसिकली करता क्या है, वो जितने प्रोसेसेस रन होते हैं आपके सिस्टम में उसको डिफाइन करता है। फिर जितने परफॉर्मेंस आपके सिस्टम में है, जैसे GPU कितना यूज़ हो रहा है, मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, डिस्क कितना यूज़ हो रहा है, वाईफाई कितने स्पीड से चल रही है, फिर मेमोरी कितनी है, और इसमें आप ऐप की हिस्ट्री देख सकते हैं, स्टार्टअप के टाइम आपका कौन सा एप्लीकेशन कितना जो मेमोरी है वो यूज़ करता है वो यहाँ पे मेंशन है, तो इसको आप स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड की, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप प्रेस करिए विंडो बटन प्लस R और यहाँ पर टाइप करिए OSK, ये शॉर्टकट है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करने के लिए। फिर आप इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है। तो यहाँ से आप बेसिकली कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं आपको शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए RTYU, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का मेनली हम तब यूज़ करते हैं, या तो जब हमारा कीबोर्ड काम नहीं करता है, या फिर जब हमको की लॉगर से बचना पड़ता है। की लॉगर एक तरह के हैकर होते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड के थ्रू जब हम लॉगिन करते हैं तो उसको वो हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ऑन स्क्रीन से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद जो हमारा थर्ड कमांड है, उसको हम यूज़ करते हैं डिवाइस मैनेजर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आपको जो कमांड लिखना है उसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप रन कमांड ओपन कर लीजिए विंडो बटन प्लस R से। उसके बाद आप इसमें टाइप करिए HDW, फिर WIZ, फिर .CPL। तो ये जो .CPL है, ये बेसिकली कंट्रोल पैनल के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर दीजिए, तो आपके सामने आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो डिवाइस मैनेजर में हम करते क्या है, इससे हमारा जो बेसिकली जितने हमारे ड्राइवर्स या फिर जितने हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स वगैरह कनेक्ट रहते हैं, उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मेरा ऑडियो इनपुट में कौन कौन से ड्राइवर हैं, तो माइक्रोफोन है, स्पीकर है, स्टीरियो मिक्स है, फिर ब्लूटूथ में आपके कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट है वो आप देख सकते हैं, आपके कीबोर्ड में आपके कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट है वो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे एक्शन है, तो एक्शन में आप जाके स्कैन कर सकते हैं हार्डवेयर चेंजेस के लिए, फिर व्यू है, फिर हेल्प है। तो ये आपका डिवाइस मैनेजर। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ कमांड की, जो कि है हमारा कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आप क्या करिए, विंडो बटन प्लस R प्रेस करिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए सिंपल कंट्रोल। कंट्रोल लिखने के बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए, आपके सामने आपका कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी अपना चाहे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने पांचवे कमांड की, कि हम सी ड्राइव को कैसे ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ओपन कर लीजिए विंडो बटन प्लस R से रन कमांड, और यहाँ पे बस आपको टाइप करना है /backward और इंटर प्रेस कर देना है। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आप डायरेक्ट सी ड्राइव में आ जाएंगे। उसके बाद हमारा है सिक्स्थ कमांड, कि आप अपने मॉनिटर का परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप फिर प्रेस करिए विंडो प्लस R और यहाँ पर टाइप कर दीजिए performmon.msc। उसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए। आप जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे आपके सामने जो है आपके परफॉर्मेंस मॉनिटर का जो
इंडिकेट करता है वो टूल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि अवेलेबल एम बाइट इतने हैं, कैशे इतना है, फिर बाइट टोटल सेकंड जो नेटवर्क इंटरफेस से वो इतना है। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है मॉनिटर का आप देख सकते हैं कैसे चल रहा है, लास्ट कितना है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, ड्यूरेशन क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सिक्स कमांड की, जो कि है कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कमांड। तो उसके लिए सबसे पहले आप ओपन करिए विंडो +R और यहाँ पर टाइप करिए CALC और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपका कैलकुलेटर आपके सामने इजीली ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो भी चाहें आप इसमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की, जो कि है हमारा जितना ऐप है वो इंस्टॉल जहाँ पर रहता है डायरेक्ट वहाँ पे जाने के लिए। वैसे तो हम बेसिकली कंट्रोल पैनल के थ्रू जाते हैं वहाँ पे। तो उसके लिए भी एक कमांड है जो कि हम यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप प्रेस करिए विंडो +R बटन और यहाँ पर आपको टाइप करना है APPWIZ.CPL और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। तो अगर आपको यहाँ से कोई भी प्रोग्राम अनइंस्टॉल करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कमांड की, जो कि है हमारा रिसोर्स मॉनिटर ओपन करने के लिए। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा कमांड। तो उसके लिए सबसे पहले आप ओपन कर लीजिए रन कमांड और उस आप टाइप करिए वहाँ पे RES रेजोमॉन सिंपल सा और इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आपके सामने आपका रिसोर्स मॉनिटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या देखते हैं, हमारा फिजिकल मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है, स्टैंड बाय मेमोरी कितना यूज़ हो रहा है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखी है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं कि रिसोर्स मॉनिटर हमारा क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर टूल है विंडो का, जो कि हम बात करेंगे कि आप उसको डायरेक्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रेस कर लीजिए विंडो बटन +R और यहाँ पे आपको टाइप करना है MRT। इसका फुल फॉर्म होता है आपका मेलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। इसका हम यूज़ करते हैं जो भी हमारा मेलिशियस डेटा है जो हमारा कहीं इंस्टॉल होता है, उसको रिमूव करने के लिए इस टूल का यूज़ करते हैं और ये टूल हमको विंडो प्रोवाइड करता है। ये ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये पूछ रहा है क्विक स्कैन के लिए, फुल स्कैन के लिए, कस्टमाइज स्कैन के लिए। मान लीजिए मैं क्विक स्कैन पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये क्या है, पूरी प्रोसेस रन करेगा और पूरा स्कैन करेगा आपके कंप्यूटर को कि जो भी आपके में मेलिशियस डाटा है उसको रिमूव करने के लिए। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको किसी कमांड के ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।